नमस्कार, आप देख रहे जनबोल न्यूज और मैं रवि पटना के गर्दनी में धरना स्थल पर हूँ। और हमारे पीछे कंप्यूटर शिक्षक जो है उनका 930वां दिन धरना का है और उन्हें प्रशासन के द्वारा नोटिस देकर इनके धरना को जो अनिश्चितकालीन था उन्हें आज समाप्त किया जा रहा है। आइए बातचीत करते हैं, दौरान क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। जी, मेरा नाम विनोद कुमार सिन्हा है और हम लोग पिछले 2.5 सालों से प्रशासन की अनुमति पर इस धरना स्थल पर लगे थे और सरकार को अपनी मांगों को सुना रहे थे। पर अभी अचानक पिछले 20 तारीख से यहाँ पर प्रशासन के लोगों ने हम पर परेशान करना शुरू किया, हमारे परमिशन को निरस्त करने, हमारे परमिशन को मान्य नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यह मान्य नहीं है। जब हमने कहा कि भैया ये मान्य नहीं है तो आप इस पर लिख दीजिए कि मान्य नहीं है, हम चले जाते हैं। इस पर प्रशासन ने और सरकार ने, एक्चुअली यह काम है सरकार का, सरकार ने को हम लोगों ने यहाँ बैठ के नाकों चने चबा दिए। सरकार डर गई, तभी कहा, ऑर्डर हुआ कि भाई इन कंप्यूटर शिक्षकों को यहाँ से हटाओ। तो हम लोग ठीक है, हम भाई चूंकि हमारे पास अचानक कल शाम में समारा ये मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, ADM रैंक के पदाधिकारी हैं और उन्होंने हमारे धरने का परमिशन मांगा और उस परमिशन को लिया और बाकायदा गए जाके समाहरणालय जाकर उन्होंने आदेश को रद्द कराया और उसको लेकर वापस आए यहाँ और उसके बाद कहा कि हमने आपका आदेश रद्द करा दिया है, अब आपका धरना अवैध हो गया है, अब यहाँ से आप खाली कर दीजिए। तो इन चीजों को देख के साफ साफ लगता है कि एक ADM रैंक का पदाधिकारी और आपके धरने के परमिशन को जाके कैंसिल कराता है। इसका मतलब साफ है कि सरकार को ऊपर से सरकार ने यहाँ प्रेशर दिया और इस प्रेशर में आके इन्होंने श्रीमान ने ऐसा किया। लेकिन इससे पूर्व हम लोगों ने, चूंकि जब प्रशासन हमें परेशान कर रहा था तो हम लोगों ने क्या किया कि एक रिट याचिका दायर की कि भाई जब परमिशन हमारे पास वैध है तो यह प्रशासन के लोग इसे अवैध कैसे बता रहे हैं। तो इसका हमने रिट याचिका दायर की है, इनका नोटिस जरूर इनके पास गया है और उसके बाद इन्होंने आनंद फानंद में इस कार्य को किया और करने के बाद अभी तक जिस आदेश को ये मान नहीं रहे थे उसी आदेश की निरस्ता की कॉपी हमारे पास लाई गई है। सर, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देख सकती है हमारे देश की जनता कि सरकार यहाँ आपका गला भी काटेगी और उसके दर्द से जब आप कराएंगे तो आपको आपके मुंह को बंद करके आपका दमन कर दिया जाएगा, जो यह किया गया है। मैं विनोद कुमार सिन्हा, बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन। आप क्या कहिएगा अध्यक्ष जी? सबसे बड़ा सवाल है आज बिहार के सामने और बिहार के युवाओं के सामने कि सरकार बेरोजगारों से पूरी तरह डर चुकी है। हम लोग 3 सालों तक 930 दिन कोई कम नहीं होता है, कितने जाड़ा गर्मी और बरसात और सारे पर्व त्योहार यहीं पर मनाए, कोई विधि व्यवस्था हम लोगों ने नहीं तोड़ने का काम किया। उसके बावजूद भी अचानक हम लोगों को कल जो है लेटर समारणालय से मिलता है कि विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपका जो है परमिशन को रद्द कर दिया गया, अनिश्चितकालीन परमिशन को। इसके लिए हमारे महासचिव ने बताया कि रिट याचिका भी हम लोगों ने दायर कर रखी है और मामला न्यायालय में लंबित है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और सरकार जो है प्रतिशोध में, यानी हम लोगों की आवाज को दबाने के लिए, बेरोजगारों की आवाज को दबाने के लिए यह षड्यंत्र है और सीधा सीधा उस पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। और हम बेरोजगार ऐसे चुप नहीं रहेंगे जब तक हमारी मांग सरकार मान न ले, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। धरना आज जो है सरकार के वजह से समाप्त हो रही है, हमारे मंसूबे कम नहीं हुए हैं, हमारे लोगों के मंसूबे कम नहीं हुए। हम अपने अधिकार के लिए, अपने जब तक हमारे जीवन में एक बूंद खून रहेगा तब तक हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। आगे की रणनीति है कि हम योजना बनाएंगे और योजना बना करके और फिर मजबूती के साथ हजारों की संख्या में जन सैलाब यहाँ धरना स्थल पर जो है उमड़ेगा और हम फिर जो है नियम से यहाँ पर धरना करने का काम करेंगे और सरकार को बताने का काम करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक जो है सरकार का विरोध करने का काम करेंगे। और चुनाव आ रहा है, चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में देखना होगा कि क्या जो है सोशल मीडिया का जो मालिक है कंप्यूटर शिक्षक,
जो आज रोड पर है पूरे बिहार के विद्यालय को छोड़ करके और सड़क पर जो है करा रहा है, इसका जो है फायदा और नुकसान जनता को जो है हम लोग बताने का काम करेंगे कि क्या यही डिजिटल बिहार और डिजिटल इंडिया का जो सपना था वो पूरा हो गया। सरकार यही बताना चाहती थी कि हम सारे विद्यालय को बंद कर देंगे, ऑफलाइन कर देंगे, स्मार्ट क्लास चला रहे हैं, स्मार्ट क्लास का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जहां एक ऑपरेटर नहीं है, जहां एक कंप्यूटर शिक्षक नहीं है, क्या किसके बूते? वो घोटाला है, उस घोटाले की भी जांच होनी चाहिए। आप लोगों ने कहा, आप लोगों के माध्यम से मालूम चला है कि लाखों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया स्मार्ट क्लास को लगाने में घोटाला हुआ है और लैब घोटाला हुआ है, कंप्यूटर लगाने में 250 करोड़ का घोटाला हुआ है, जो विजिलेंस इंक्वायरी अभी प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के यहाँ जो है लंबित है, हम लोगों ने निगरानी में दे रखा है 2017 में ही। बताइए 2017 से लेकर के अभी तक निगरानी का जांच एक भी स्टेज में नहीं पहुंचा है। मैं आखिर क्या है, आखिर माजरा कहीं ना कहीं घोटाले की है, तभी तो जो है उसको दबाया जा रहा है, नहीं तो अभी जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता कि हम लोगों ने जो है कंप्यूटर में कोई घोटाला नहीं किया है। ये साफ प्रमाणित होता है कि 3 सालों तक कोई कार्रवाई नहीं हो, ये सरकार का जो है गलत मंसूबा है और हम लोगों को दबावाज को दबाने के लिए ये षड्यंत्र के तहत प्रशासन पर प्रेशर डाल करके स्पेशली हमारे परमिशन को, अनिश्चितकालीन परमिशन को रद्द करवाया गया और हम जो है बहुत दुखी है। इससे जो है हमारे नीतीश कुमार जी को यह संदेश देना चाहते हैं कि कितना रुलाओगे जनता को, एक दिन रोना पड़ेगा। हमारा अंतिम पंक्ति यही है कि कितना रुलाओगे बेरोजगारों को, एक दिन रोना पड़ेगा और खुद को बेरोजगार होना पड़ेगा, यही जो है हम कहेंगे और ईश्वर से कामना करेंगे कि हमारा जो है समय अच्छा है और हमारे नौकरी, हमारे लोग नौकरी में आए और हमें अधिकार मिले, हमारा फाइल भी बना हुआ है, सब काम हो गया है, लेकिन ये लोग जो है उसको अप्लीमेंट नहीं करा रहे। धन्यवाद। रविंद्र प्रसाद जो है कंप्यूटर शिक्षक संघ अध्यक्ष बिहार। अभी आपने सुना कंप्यूटर शिक्षकों का दर्द, जो इनके पास पिछले 3 सालों से जो है परमिशन अनिश्चितकालीन का था, लेकिन प्रशासन इनके परमिशन को, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल को लेकर पटना के भीतर इनके परमिशन को कैंसिल कर दिया है। हालांकि सवाल नीतीश कुमार से भी है कि बिहार की शिक्षा, कंप्यूटर और डिजिटल जो शिक्षा की बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं, कहाँ है? 3 सालों से बिहार में कंप्यूटर की शिक्षा कहाँ है? आगे बने रहिए जनबोल न्यूज पे। धन्यवाद।